नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आपका बाजार। आपकी फटाफट क्वेरीज तो अगले एक घंटे में हम शामिल करेंगे, साथ ही साथ मार्केट के जो एक्शन बना हुआ है उसके बारे में भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आज सॉफ्टनेस एक्सटेंड हुई है मार्केट में, 7440 के नीचे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर कन्विंस्ड बाइंग इमर्ज हो रही हो, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग स्टॉक्स आज आगे आके परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मार्केट्स का हाल है। आपके स्क्रीन पर निफ्टी 50 को देखें तो 7438 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। सेंसेक्स में भी 0.35% की वीकनेस है। निफ्टी बैंक फ्लैट है लेकिन बायस नेगेटिव है। आज मिड कैप से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ज्यादा है, करीब 0.1% नीचे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.29% की वीकनेस देखी जा रही है। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयर्स हैं, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक्स आगे आके मूव कर रहे हैं। PSU बैंकिंग स्पेस है, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% ऊपर है। BPCL करीब 0.1% की तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा BHEL, ITC, अंबुजा सीमेंट्स, ये कुछ शेयर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोसेसली ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एडवांस टैक्स के नंबर्स भी बेहतर आए हैं। गिरने वाले शेयर्स में सन फार्मा, हिंडालको, डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट्स, वेदांता। फार्मा स्पेस में जो प्रेशर्स है वो आज फिर से एक्सटेंड हुए हैं कल के फॉल के बाद, और ज्यादातर स्टॉक्स पे चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी से हों या फिर स्मॉल कैप पॉकेट से हों, सेलिंग प्रेशर्स आज के सेशन में हावी हुए हैं। फार्मा शेयरों का हाल आपकी स्क्रीन पर, गिरावट जारी है। वॉकहार्ड, ल्यूपिन, सन फार्मा, कैडिला, ग्लेनमार्क सभी में 1-4% तक की वीकनेस आज के सेशन में बनी हुई है। साथ ही रियल एस्टेट बिल पास हुआ है, कल सिलेक्टिव रियल एस्टेट स्टॉक्स में खरीदारी थी, ये मोमेंटम आज भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रोसेसली DLF, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, शोभा लिमिटेड, अदरार इंडस्ट्रीज, इन सभी स्टॉक्स में 1% के आसपास की गेंस अभी देखे जा रहे हैं। लेकिन शुगर स्पेस लगातार मोमेंटम में है और वो रिफ्लेक्शन आज भी कायम है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, मवाना शुगर्स, बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी आज के सेशन में भी बनी हुई है। तो शुगर एक ऐसी पॉकेट है जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है और आज वीक मार्केट में भी वो ट्रेंड सस्टेन कर रहा है। ऑन द शो देख लेते हैं अगले एक घंटे के दौरान कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे। आपको फटाफट राय तो एक्सपर्ट्स के दिलवाएंगे ही, शेयरों पर फटाफट राय आपको मिलेगी। ब्रोकरेज हाउसेज किन स्टॉक्स पर बेट कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। खबरों वाले स्टॉक्स की बात करेंगे, यानी आज की अहम खबरें और उनका रिफ्लेक्शन उन स्पेसिफिक स्टॉक्स पर क्या है, इसके बारे में आपको अपडेट देंगे। साथ ही होगा हमारा खास सेगमेंट शेयर आपके बजट में, यानी एक स्टॉक जो आपके बजट में ही फिट बैठता है और अच्छे रिटर्न्स आपको दिला सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे F&O मार्केट के एक्शन की, डेरिवेटिव मार्केट से क्यूज क्या मिल रहे हैं आज के लिए, किन स्टॉक्स पर आपको बेट करना है F&O एक्शन के पर्सपेक्टिव से, और आज के सुपर हिट शेयर्स भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, और इसी के साथ शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले के भी, और आज के हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष अंधानी है, साथ ही विजय चोपड़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। आप भी हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बहुत ही आसान है, SMS के जरिए आप हमें अपने सवाल भेजिए, शेयर लिखिए हमारा कीवर्ड है, उसके बाद अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और के साथ आज का पहला सवाल शामिल कर लेते हैं, चिंतन पटेल गुजरात से हमें पूछते हैं, DLF के 2000 शेयर्स हैं इनके पास 105.90 पैसे पर, और साथ ही मंगलम ड्रग्स के भी 500 शेयर्स हैं इनके पास 257 के भाव पर। गुड मॉर्निंग विजय, शुरुआत आपसे करेंगे, यहां पर दो शेयर्स हैं चिंतन के पास, DLF और मंगलम ड्रग्स, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इनको? दोनों को ही होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है DLF 120-125 के भाव के लिए इनको होल्ड करके रखना चाहिए। रियल एस्टेट बिल पास हुआ है तो छोटे मझोले काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं जो कि गलत काम करते थे, काफ़ी प्रैक्टिसेस गलत होती थी, तो वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज होंगे और मार्केट में जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर कंसंट्रेशन लौटेगी। तो मुझे लगता है जो भी मेजर रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो सोबा हो, चाहे वो ब्रिगेड हो, चाहे DLF हो, चाहे ओबरॉय रियलिटी हो, अजमेरा हो, तो इन पे फोकस कहीं ना कहीं वापस लौटेगा। और आई थिंक DLF इज़ क्वाइट इवनली प्राइस्ड, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे है, तो 120-125 के स्तर के लिए DLF होल्ड करें। जो दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा मंगलम ड्रग्स, मुझे लगता है कि इसमें भी पोटेंशियल है 300 तक जाने का, तो इसको भी आप होल्ड करके रखें। अगला सवाल है भवन का, कच्छ गुजरात से, दो क्वेरीज है इनकी अगेन, एक तो HDIL 200 क्वांटिटी है, 100 इनका परचेजिंग प्राइस है, और दूसरा शेयर है प्राज इंडस्ट्रीज का, अगेन 200 शेयर इनके पास 98 के प्राइस पर। दोनों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए आशीष, नुकसान में है दोनों ही होल्डिंग्स में? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए HDIL में, जैसे अभी आपने बताया कि रियल स्टेट बिल पास हुआ और जितने मेजर प्लेयर्स उनके ऊपर फोकस आएगा, और HDIL में भी आप देखें 60 रुपये के आसपास एक बहुत अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉप लॉस चाहें तो कुछ 65-64 के आसपास का रखें और बिल्कुल होल्ड करें, चाहें तो यहाँ पर एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं इफ़ ही हैज सरप्लस फंड्स विथ हिम।
प्राज इंडस्ट्री की आपने बात की, मुझे लगता है वो भी एक काफी अच्छा स्टॉक है, इसमें काफी अच्छा मूवमेंट आया, उसको भी होल्ड करें कुछ 78 के आसपास का, इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें और उसको होल्ड करके रख सकते हैं। ऑलराइट, तो दोनों में ही आप बने रह सकते हैं ऐसा आशीष मानते हैं।